हेलो फ्रेंड्स आर्मी जीडी के जो हम डेली सेशन प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं तो टॉप फिफ्टी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट टू है जो फाइव ईयर फाइव मार्क्स आपके होंगे जहाँ से पक्के हो जाएंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी आपको मिल जाएंगे विद पीडीएफ के साथ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को तो चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो चलिए आज के सेशन को हम कॉन्टिन्यू करते हैं तो जय रहा फ्रेंड्स आपका जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है तो जहां पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पे क्या बात करी जा रही है ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज तो मिक्सड आपको जीके के कंप्लीट क्वेश्चन मिलेंगे टॉप फिफ्टी क्वेश्चन आपको जहां पे बताए जाएंगे आप भी साथ साथ में करें और अपना स्कोर जरूर बताएं आपकी कितनी प्रेपरेशन हुई है और आपने कितनी प्रेपरेशन की है तो फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज ग्रुप ऑफ स्टार्स को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए गैलेक्सी इस क्वेश्चन का राइट right ऑप्शन आपका हो जाएगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा तो इन विच गैलेक्सी अवर सोलर सिस्टम लोकेटेड कौन सी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम लोकेटेड है एंड्रोमेडा ओरियन मिल्की वे या अरसाजर जो मिल्की वे है जहाँ पर हमारा गैलेक्सी जो लोकेटेड है स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम क्या बोलते हैं स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉल्ड स्टडी ऑफ यूनिवर्स को फ्रेंड्स हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोफिजिक्स कॉस्मोग्राफी या जियोफिजिक्स इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आपने बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इधर आपने बताना है स्टडी ऑफ यूनिवर्स कार्ड स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम क्या बोलते हैं तो थर्ड का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि कॉस्मोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स ठीक है तो <coughs> सॉरी तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टेरिस्ट्रियल प्लानट इनमें से कौन सा प्लान टेरिस्टोरियल प्लान नहीं है मर्क्री यूपिटर विनस या अर्थ बिल्कुल प्रैक्टिस स्टार्ट चल रहा है जब इनके कंटिन्यूअसली क्लासेस थी आप उन्हें भी देख सकते हो वहां पे आपको डिटेल में भी बताया जाता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टेरिस्ट्रियल प्लानट तो जूपिटर जो है वो टेरिस्टोरियल प्लानट नहीं है ठीक है तो अमंग द फॉलोइंग प्लान विच टेक मैक्सिमम टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन सबसे ज्यादा समय कौन लेता है एक रेवोल्यूशन अराउंड दस सन लगाने के लिए अर्थ यूपिटर मार्स या वीनस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी यानी कि यूपिटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाता है यूपिटर जो प्लानट है वो सबसे जो मैक्सिमम टाइम लेता है एक रेवोल्यूशन अराउंड द सन के लिए ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच प्लानट लुक रेड इश इन द नाइट स्काई कौन सा प्लानट रेड लगता है नाइट स्काई में तो ऑप्शन नंबर बी मार्स इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आपका हो जाएगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ जो ताल छापर लाइफ सेंचुरी है है वो कहां पे लोकेटेड राजस्थान गुजरात वेस्ट बंगाल या उड़ीसा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर राजस्थान इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में स्थित है किश्तवाड़ नेशनल पार्क इज सिचुएटेड किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है जम्मू कश्मीर आंध्र प्रदेश असम जाना देश तो जम्मू एंड कश्मीर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा जहाँ से कैपिटल भी आपको कुछ पता हो जाएंगी असम की कैपिटल डिसपुर अरुणाचल प्रदेश की अमरावती जम्मू एंड कश्मीर की पता होगा जम्मू और कश्मीर श्रीनगर उड़ीसा की भुवनेश्वर गुजरात की गांधीनगर वेस्ट बंगाल की कोलकाता राजस्थान की जयपुर ठीक है बांडीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है बांडीपुर नेशनल पार्क आपने बताना है कहाँ पे सिचुएटेड है तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु केरला की तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु की चेन्नई असम की डिसपुर तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिन बारोड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बारोड किया गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्क्रेंट लिस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आपने बताना है क्वेश्चन नंबर टेन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फंडामेंटल राइट इज नोन एज द जो भी आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बारोड किया गया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बारोड द प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ से बारोड किया गया साउथ अफ्रीका फ्रांस आयरलैंड या कैनेडा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साउथ अफ्रीका से जो क्या किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या किया गया बारोड किया गया तो ऑप्शन का राइट ऑप्शन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवन कौन सी टर्म है जो नॉट इंसर्ट की गई है मतलब इंसर्ट की गई है प्रियम्बल से फोर्टी अमेंडमेंट पे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेटरिटी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द हाईएस्ट रॉक एंड अर्थ फिल डैम इन इंडिया इस हाईएस्ट रॉक और अर्थ फिल जो डैम है वो कौन सा है ठीक है वो कौन सा डैम है हीराकुंड सरदार सरोवर डैम तेहरी डैम या बाखड़ा डैम तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तेहरी डैम इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बतानी है बुलर लेक हुसैन सागर दल लेक या रनगढ़ लेक तो फोर्टीन क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बुलर एक इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा तो कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया बतानी है कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया जकार्ता रोम बगदाद या वेलिंगटन तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता आपकी हो जाती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉल ऑफ स्टील इसिड्स जो एक क्या होता है बॉल है उसमें जो मैटर होता है जो स्टील की बॉल हो वो क्या होता है उसका डेंसिटी वॉल्यूम मास वेट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अमाउंट ऑफ मैटर जो किस में रहता है एक स्टील की बॉल में रहता है तो इसका राइट right आंसर आपका क्या हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी मास इसका राइट right ऑप्शन आपका हो जाएगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ किस मीडियम में बिलासटी ऑफ साउंड मैक्सिमम होती है बिलासटी ऑफ साउंड किस मीडियम में मैक्सिमम होती है मेटल एयर वाटर पॉलीमर तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो मेटल है मेटल में वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम हो जाती है डेसिबल इज द मेजर टू द इंटेंसिटी ऑफ डेसिबल किसका यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड साउंड लाइट या हीट इस क्वेश्चन का राइट right ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी साउंड का यूनिट क्या हो जाता है डेसीबल ठीक है डेसीबल साउंड का जो मेजरिंग यूनिट हो जाता है जो एक्सरे है वो कौन सी वेब्स है लॉन्गिट्यूनल ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलास्टिक तो इस क्वेश्चन का नाइनटीन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेब्स एक्स और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेब्स आपकी हो जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जो स्ट्रिंग वाइब्रेट किया जाता है हाइग्रोमीटर सोनोमीटर बैरोमीटर जहाँ हाइड्रोमीटर ट्वेंटी का ऑप्शन नंबर बी सोनोमीटर इज नोन एज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय द कौन से ग्लैंड के जरिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है एडर्नल थाइमस थाइराइड जब पिछुटरी तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एडर्नल ग्लैंड के जरिए जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल किया जाता है जो रेटिना ऑफ एन आई इसे एनोलोग टू बिच पार्ट ऑफ द कैमरा रेटिना ऑफ आई किस पार्ट में एनोलोगस पार्ट है कैमरा का फिल्म लेंस शटर या ग्लास ग्लास इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए फिल्म इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डॉटर बॉर्न टू बी होमोफिलिक फादर एंड नॉर्मल मदर कुड भी जो डॉटर बॉर्न होगी होमोफिलिक फादर से और नॉर्मल मदर से normal carrier hemophilic ja all of this ट्वेंटी थ्री का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी जाने कि कैरियर इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आपका हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द सेक्स ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी इज डिटरमाइन बाय द क्रोमोजोम इनहेरिटेड फ्रॉम मदर द फादर मदर्स मदर फादर्स फादर ठीक है सेक्स ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी किससे डिटरमाइन किया जाता है तो ट्वेंटी फोर का आपने राइट right आंसर बताना है ट्वेंटी फोर का राइट right आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी द फादर ठीक है उसके जो क्रोमोजोम्स होते हैं जो इनहेरिटेड होते हैं फादर से ओमस्ला डिफाइन ओम स्ला क्या डिफाइन करता है ओम स्ला बोलता है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बोथ करंट एंड द वोल्टेज ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ब्लू कलर होता है स्काई का वाटर का स्काई सी में किसकी वजह से होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर कलर स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू, ब्लू स्काई बाय द सी वाटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो एब्जॉर्प्शन होगा दूसरे कलरों का ब्लू को छोड़ के बाय द वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर हाउस लोअर हाउस की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो जाती है 530, 545, 550 या 552 इस क्वेश्चन का राइट right आंसर बताना है मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपकी कितनी हो जाएगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फाइव जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोअर हाउस के इंडियन पार्लियामेंट में हो जाती है मिनिमम एज कितनी चाहिए इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए लोकसभा बाकी 25, 30, 35 या 40 तो 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ए जाने की 25 जो मिनिमम एज है जो कॉन्टेस्ट इलेक्शन करने के लिए आपको चाहिए होगी ठीक है तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा जो गैप होता है टू कॉन्जिक्यूटिव सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बीच वो कितना होता है थ्री नाइन सिक्स या ट्वेल्व मंथ ट्वेंटी नाइन का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी कितना सिक्स मंथ का जो गैप होता है जो सेशन ऑफ पार्लियामेंट में गैप होता है ठीक है जो आ जाएगा सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन होता है चीफ जस्टिस स्पीकर प्रेसिडेंट जनरन तो थर्टी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आपका हो जाएगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं डॉक्टर बीबी गिरी बी डी जटी डॉक्टर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जो वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट इंडिया बताना आपने जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर सर्वेपली राधाकृष्णन वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया बिच लॉन्गीट्यूड इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया यानी कि जो स्टैंडर्ड टाइम हो जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन हो जाता है वो कितना हो जाता है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आपका ऑप्शन नंबर एट्टी टू डिग्री थर्टी मिनट ईस्ट की तरफ जो स्टैंडर्ड मेरिडियन आ जाता है कौन सी जो इंडियन स्टेट है उसमें जो बॉर्डर ऑफ नेपाल पे सिचुएटेड है तो ये क्वेश्चन कल भी हमने किया था सिक्किम इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आपका हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज नॉट सिचुएटेड ऑन बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान

आनंद उद्यान इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने बताना है जो आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आप भी अंतिम में अपने स्कोर जरूर बताएं आपके इनमें से कितने जो क्वेश्चन हैं वो सही हुए हैं ठीक है और आपको किस हिसाब से अपना जो रिजल्ट है वो बनाना है तो इधर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धनानंद जो लास्ट रूलर थे किसके मगधा एम्पायर के ठीक है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा जो अजात शत्रु थे वो किसके सन थे उद्यान अलेक्जेंडर धनानंद बिम्बिसार तो थर्टी एट का आपका ऑप्शन नंबर डी बिंबिसारा का जो अजार शत्रु वो संत है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगधा फ्रॉम राजगिरा टू पतलीपुत्रा किसने मगधा की कैपिटल राजगराह से पतलीपुत्रा में शिफ्ट की थी तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आपने बताना है जो ऑप्शन नंबर डी उद्यान ने जो कैपिटल थी मगधा की वो शिफ्ट कर दी थी राजगिरा से पतलीपुत्रा में ठीक है तो अलेक्जेंडर ने जो बैटल ऑफ जेलम की थी वो किसके साथ की थी अम्बी के साथ पोरस के साथ अशोका के साथ चंद्र के साथ तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पोरस इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बैटल ऑफ हाइडा स्पीस बॉस स्पॉट ऑन दी बैंक ऑफ विच रिवर बैटल ऑफ हाइडा स्पीस किस बैंक ऑफ रिवर के किनारे हुई थी जेलम राबी ब्यास जागंगा फोर्टी वन का ऑप्शन नंबर ए जाने कि जेलम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है विच रूलर फॉर द कलिंगा वॉर इन द ईयर ऑफ टू सिक्स वन बी सी ठीक है तो किस ईयर में जो कलिंगा वार हुई थी किस ईयर में फॉर्ट हुई थी टू सिक्स वन बी सी में चंद्रगुप्त मौर्य अशोका बिंदुसारा या बृद्रता ठीक है तो फोर्टी टू का आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा फोर्टी टू का ऑप्शन नंबर आपका बी अशोका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 43 की तरफ द स्पोर्ट कबड्डी हैज मैनी प्लेयर इन द टीम कबड्डी में एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं एट सेवन नाइन टेन सेवन एट नाइन टेन तो इधर आपने बताना है तो कबड्डी में टोटल कितने नंबर ऑफ जो प्लेयर्स हैं वो आपके आ जाते हैं ठीक है टोटल नंबर ऑफ कबड्डी में आपने प्लेयर बताने हैं जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी यानी कि सेवन प्लेयर एक एक टीम के पास कबड्डी में होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा जो बेसबॉल है उसमें जो दो अपोजिंग टीम होती हैं वो उसमें हर में कितने प्लेयर होते हैं एट नाइन टेन इलेवन बेस बॉल में बताना है बेस बॉल में आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइन प्लेयर हर टीम में होते हैं तो खो खो में कितने होते हैं खो खो में भी आपका ऑप्शन नंबर ए नाइन प्लेयर ही होते हैं बेसबॉल में नाइन और कबड्डी में सेवन प्लेयर होते हैं ठीक है तो इधर आपने बताना है हु एस्टेब्लिश द शुंगा डाइनेसटी शुंगा डायनेसटी इनमें से किसने फॉर्म की थी पुष्य मित्रा सुजेशता देव या ब्रज मित्रा इधर आपने बताना है

कनिष्का इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा राजा दिराजा? राजा दिराजा का टाइटल किसे दिया गया था चंद्रगुप्ता तो इंडियन आर्मी जीडी के लिए और भी बहुत सारे के लिए, जो अपकमिंग है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए अपना स्कोर जरूर शेयर करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करिए इस वीडियो में बस इतना ही